पुलिस वाले का बेटा बना चोर, बाइक चुरा कर करता ऐश, बेस ड्राइवर भी गिरफ्तार। मुंबई के कांदिवली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 पुलिस वाले के बेटे और 1 खुद बेस्ट का ड्राइवर है। पुलिस ने आरोपियों को खबरों से मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया है और अब मामले की अधिक जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस के हत्थे चढ़ा वो ये आरोपी है जो बाइक चोरी का धंधा किया करता था। पुलिस ने अमरजीत माने, बेस ड्राइवर जिसकी माँ पुलिस इंस्पेक्टर रह चुकी है, कमलेश कुमार भारतीय जो एक गैरेज चलाया करता था, और एक माइनर आरोपी जिसका बाप ट्रैफिक पुलिस में हेड कांस्टेबल के तौर पर काम करता है। तीनों पर आरोप है कि पल्सर बाइक चुरा कर उसे नया बनाकर बेचने का ये काम करते थे और अभी किसी और बाइक की चोरी को घटना का अंजाम देते वक्त ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी पुलिस वाले का बेटा होने के कारण उसके हौसले बुलंद है और बेझिझक चोरी किया करता था, लेकिन अंत में वह किसी और घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार हो गया। पेश है हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की एक रिपोर्ट। हमने बजाज पल्सर ये 2-व्हीलर मोटरसाइकिल चोरी गई थी, जिसके लिए 97/2017 ये FIR हमने दाखिल किया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि एक गैरेज में 3 लोग ये गाड़ी चुरा के वहाँ पूरी गाड़ी डिसमेंटल करते हैं, उसके बाद में वो गाड़ी बिक जाती है। तो इस हिसाब से इस केस में हम लोगों ने 3 अलग अलग लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें का एक माइनर पर्सन है जिसकी उम्र है 17 ईयर्स, वो 12वीं कक्षा में अभी उसके एग्ज़ाम चालू है। उसकी पूरी तहकीकात करने के बाद उसके बारे में हम लोग आगे चार्जशीट करेंगे। जबकि 2 मेजर एक्यूज्ड है, जिसमें का एक एक्यूज्ड है वो बेस्ट में ड्राइवर करके काम करता है और सेकंड एक्यूज्ड है जिसका गैरेज में वो खुद गैरेज चलाता है।